लखिंद्र हेम्ब्रम के द्वारा आउटर सिग्नल के बारे में अलग से वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया गया था। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आउटर सिग्नल के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल हिंदी रियलटेक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। आउटर सिग्नल एक आगमन स्टॉप सिग्नल है, यानी जब ट्रेन स्टेशन में आती है तो ट्रेन को रोकने वाला प्रथम स्टॉप सिग्नल का नाम है आउटर सिग्नल। आउटर सिग्नल बी क्लास के स्टेशन पर ही लगाया जाता है, यानी जिस स्टेशन पर ट्रेन के लाइन क्लियर देने के बाद भी स्टेशन सेक्शन को जाम किया जा सकता है वहां आउटर सिग्नल को लगाया जाता है। आउटर सिग्नल को टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम वाले स्टेशन पर लगाया जाता है, यानी जिस स्टेशन पर होम सिग्नल, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर इत्यादि सभी सिग्नल का एस्पेक्ट दो अर्थात रेड और ग्रीन एस्पेक्ट होता है उसी स्टेशन पर आउटर सिग्नल को लगाया जाता है। आउटर सिग्नल प्रायः सभी स्टेशन पर नहीं होता है, लेकिन जिस स्टेशन पर आउटर सिग्नल होता है वहाँ यह प्रथम रोक सिग्नल अर्थात फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है। आउटर सिग्नल से ही ब्लॉक ओवरलैप तय किया जाता है। कैसे? देखिए, लाइन क्लियर देने के शर्त में यह भी शामिल है कि जिस लाइन पर ट्रेन को रिसीव करना है वह लाइन प्रथम रोक सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी अर्थात ब्लॉक ओवर तक रास्ता साफ हो। तो चूंकि आउटर सिग्नल ही प्रथम रोक सिग्नल होता है, अतः आउटर सिग्नल से ही ब्लॉक ओवरलैप की दूरी तय किया जाता है। अब सवाल है कि आउटर सिग्नल को किस स्थान पर लगाया जाता है। तो चूंकि आउटर सिग्नल एक फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है और किसी ट्रेन के लाइन क्लियर देने के बाद भी लाइन को अवरुद्ध किया जा सकता है, तो स्पष्ट है कि आउटर सिग्नल को उस स्थान से पर्याप्त दूरी यानी ब्लॉक ओवरलैप की दूरी पर लगाया जाता है जहां तक कि पिछले स्टेशन को लाइन क्लियर देने या उससे लाइन क्लियर प्राप्त कर लेने के बाद भी लाइन को अवरुद्ध किया जा सकता है। आउटर सिग्नल को होम सिग्नल के साथ इंटरलॉक किया गया है और इसका इंटरलॉकिंग इस तरह से किया गया है कि आउटर सिग्नल को तभी ऑफ किया जा सकता है जब होम सिग्नल को ऑफ किया गया हो, अर्थात पहले होम सिग्नल ग्रीन करेंगे तभी आउटर सिग्नल भी ग्रीन होगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप आउटर सिग्नल को ग्रीन कर दीजिएगा उसके बाद होम सिग्नल ग्रीन कीजिएगा। यही कारण है कि यदि होम सिग्नल खराब हो जाए तो आउटर सिग्नल को भी खराब माना जाता है, न कि आउटर सिग्नल खराब होने पर होम सिग्नल को खराब माना जाएगा। अर्थात अगर आउटर सिग्नल रेड से ग्रीन नहीं हो रहा है तो आउटर सिग्नल को खराब माना जाएगा तथा होम सिग्नल रेड से ग्रीन हो रहा है तो होम सिग्नल खराब नहीं है। वहीं अगर होम सिग्नल रेड से ग्रीन नहीं हो रहा है तो होम सिग्नल तो डिफेक्टिव यानी खराब माना ही जाएगा, साथ ही साथ आउटर सिग्नल को भी डिफेक्टिव यानी खराब मानकर ट्रेन का संचालन किया जाएगा। आउटर सिग्नल स्टेशन की ओर आती हुई ट्रेन की गति को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है। आउटर सिग्नल स्टेशन के स्टेशन सीमा यानी स्टेशन लिमिट को भी डिसाइड करता है यानी निर्धारित करता है, क्योंकि आउटर सिग्नल जिस स्टेशन पर रहता है वहाँ बाह्यतम आउटर मोस्ट सिग्नल आउटर सिग्नल ही रहता है, अतः आउटर सिग्नल से ही स्टेशन लिमिट को अलग किया जाता है। आउटर सिग्नल को शंटिंग कार्य के लिए ऑफ नहीं किया जा सकता है, यही कारण है कि आउटर सिग्नल के साथ शंट सिग्नल भी नहीं लगाया जाता है। आउटर सिग्नल को सिंगल लाइन और डबल लाइन के दोनों सेक्शन पर लगाया जा सकता है। अब सवाल है कि आउटर सिग्नल को कितनी दूरी पर लगाया जाता है। तो पहले बात करेंगे डबल लाइन सेक्शन में, तो आउटर सिग्नल को डबल लाइन में होम सिग्नल से 400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो अब सवाल है कि 400 मीटर की दूरी पर ही क्यों लगाया जाता है। तो चूंकि आउटर सिग्नल उस स्थान से पर्याप्त दूरी पर लगाया जाता है जहाँ ट्रेन के लाइन क्लियर देने के बाद भी उस लाइन को अवरुद्ध किया जा सकता है, यानी यह पर्याप्त दूरी ब्लॉक ओवरलैप होता है और टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर दूरी होता है और साथ ही साथ आउटर सिग्नल भी टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में ही होता है। यही कारण है कि आउटर सिग्नल को डबल लाइन में होम सिग्नल से 400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है।
जैसे देखिए इस डबल लाइन वाले सेक्शन में इस आउटर सिग्नल से इस होम सिग्नल के बीच की दूरी 400 मीटर है। साथ ही साथ यहाँ भी देखिए इस आउटर सिग्नल से स्टेशन लिमिट का निर्धारण हो रहा है। इस चित्र में आउटर सिग्नल के नीचे वार्नर सिग्नल भी लगा हुआ है। अब बात करते हैं सिंगल लाइन में आउटर सिग्नल को कितनी दूरी पर लगाया जाता है। तो सिंगल लाइन में दो स्थितियां संभव है। प्रथम, वैसा सिंगल लाइन सेक्शन जहां विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर और एसएलबी या एसएलबी यानी सेंटिंग लिमिट बोर्ड लगा हो। सेकंड स्थिति, वैसा सिंगल लाइन सेक्शन जहां विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर या एसएलबी यानी सेंटिंग लिमिट बोर्ड नहीं लगा हो। और इन दोनों परिस्थितियों में आउटर सिग्नल की दूरी होम सिग्नल से अलग अलग हो जाती है। पहले जानेंगे आउटर सिग्नल को वैसे सिंगल लाइन सेक्शन में जहां विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर या एसएलबी यानी सेंटिंग लिमिट बोर्ड लगा हो, तो ऐसी स्थिति में आउटर सिग्नल होम सिग्नल से कम 580 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। जैसे देखिए इस चित्र में इस आउटर सिग्नल से इस होम सिग्नल के बीच की दूरी 580 मीटर है, जिसमें इस आउटर सिग्नल से इस एडवांस स्टार्टर के बीच की दूरी 400 मीटर यानी ब्लॉक ओवरलैप की दूरी के बराबर है। और यहीं से इस तरफ स्टेशन सेक्शन शुरू हो जाता है और इस एडवांस स्टार्टर से इस होम सिग्नल के बीच की दूरी 180 मीटर है, जो इस एडवांस स्टार्टर से इस फर्स्ट फेसिंग पॉइंट के बीच की दूरी है। इस तरह से ए वाला 400 मीटर और ए वाला 180 मीटर दोनों को मिलाकर इस आउटर सिग्नल से इस होम सिग्नल के बीच की दूरी 580 मीटर हुआ। अब जानेंगे आउटर सिग्नल को वैसे सिंगल लाइन सेक्शन में जहां विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर या एसएलबी यानी सेंटिंग लिमिट बोर्ड नहीं लगा हो, तो ऐसी स्थिति में आउटर सिग्नल की होम सिग्नल से दूरी 400 मीटर होती है, जो यह ब्लॉक ओवरलैप की दूरी के बराबर होता है। और इसी होम सिग्नल से इस तरफ स्टेशन सेक्शन शुरू हो जाता है। जैसे देखिए इस चित्र में इस आउटर सिग्नल से इस होम सिग्नल के बीच की दूरी 400 मीटर है और यहाँ पर एडवांस स्टार्टर या एसएलबी नहीं है। और इस आउटर सिग्नल से इस फर्स्ट फेसिंग पॉइंट के बीच की दूरी 580 मीटर है। अगर होम सिग्नल नहीं हो तो आउटर सिग्नल को फर्स्ट फेसिंग पॉइंट से दूरी निर्धारित किया जाता है, जो कि 580 मीटर होता है, जिसमें 400 मीटर ब्लॉक ओवरलैप और 180 मीटर ब्लॉक ओवरलैप से फर्स्ट फेसिंग पॉइंट के बीच की दूरी होता है। अब जानते हैं आउटर सिग्नल के एस्पेक्ट के बारे में। तो यह टू एस्पेक्ट का होता है। अगर कलर लाइट आउटर सिग्नल है, कलर लाइट आउटर सिग्नल है तो इसमें नीचे वाला एस्पेक्ट रेड जलता है, जबकि ऊपर का एस्पेक्ट ग्रीन जलता है। आउटर सिग्नल का ऑन एस्पेक्ट लाल यानी रेड होता है, जबकि ऑफ एस्पेक्ट ग्रीन यानी हरा होता है। जब आउटर सिग्नल लाल जलता है तो इसका मतलब है कि ट्रेन इस सिग्नल पर आकर रुकेगी, और जब आउटर सिग्नल ग्रीन जलता है तो इसका मतलब है ट्रेन इस सिग्नल को पास कर आगे बढ़ेगी। रेलवे संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो पुनः हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, धन्यवाद।